नज़ारे ले रहा है, इसी तरह से होता है ये। पीरियड जाती है फीमेल डॉग्स को तो कैसे हैंडल करें? और सभी में इस तरह से चल रहा है कि जैसे कंपटीशन, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वहाँ पे बैठते बैठते पजामा भी फट गया। ओ दा प्यार नाल हाय बेबी कहना, वहाँ पे जाइए, मदद कीजिए, कार्य कीजिए। जय दोस्तों, दोस्तों नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और शाम का समय अंधेरा हो चुका है। और देखिए कौन आया है, चिट्टू महाशय आए हैं। नए व्यूअर्स इनको नहीं जानते, पुराने व्यूअर्स जानते हैं ये कौन है। नए व्यूअर्स को बता दूं कि ऐसा है, इनको कीड़े पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, सैकड़ों कीड़े गर्दन के एक हिस्से पर। ये एकदम मतलब एकदम ख़त्म थे, जैसे भगवान की करनी थी ना, इन्होंने हमारे घर में आए, गेट पर आए, इनको हमने फिर रहने के लिए जगह दी। 15 दिन तक इनकी ट्रीटमेंट हुई, ये भाग भी गए थे, दोबारा आए और इनको ठीक किया, इनको जीवन दिया। दोस्तों वो वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, आई लिंक में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी। और हमारी नूरी पता क्यों ऐसा कर रही है, उसको ये है कि ये कौन है, ये मेरे डिब्बे में खाना लेके गए, इसके डिब्बे में डाला खाना क्यों लेके गए, कि ये कौन है, इसकी दोस्ती नहीं ना हुई अभी। और चिट्टू जब भी आता है ना, इसको देख के दिल खुश हो जाता है, पता क्यों, ऐसा लगता है कि मनिंदर जी आपने कुछ ना बढ़िया काम किया है यार, बहुत ही अच्छा काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको दिखाता हूँ, ये नहीं इस साइड नहीं, तो दूसरी साइड, वो मैं ही भूल गया हूँ, यहाँ पे था दोस्तों, कट लगा था, एकदम खुल गया था, खून ही खून था उस दिन, कीड़े भरे हुए थे इसके, मतलब ख़त्म था। जैसे विधि लिखित होती है ना कुछ चीज़ें, इनका आना था, मतलब पहले से फिक्स था, हमारे गेट पर आएँगे, इनकी ट्रीटमेंट होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटी सी मैंने कोशिश की, उससे एक ज़िंदगी बच गई दोस्तों। और फिलहाल जो नई वीडियोस में आप पिछली वीडियोस में देख रहे हो कि मैं ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ, वहाँ पे डॉग्स होते हैं, उन सभी की सेवा करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और मैं यही चाहता हूँ, मैं सीखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ और सब कुछ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और आप लोग भी सीख सको दोस्तों। बहुत ही अच्छी मतलब एक तरह की शुरुआत है मेरे लिए। और चिट्टू वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया इसने, बेंचमार्क सेट किए हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमारी नूरी को टेंशन है कि ये कौन है, क्यों आया है, क्या कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी चिट्टू कौन है, चिट्टू का ऐसा है, और ये रहता नहीं है, अभी रहेगा पता नहीं, सुबह ये चला जाएगा, फिर एक दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, महीने बाद आएगा ज़रूर, लेकिन चला जाता है दोस्तों। वो देखिए अंधेरे में लाइट दिख रही है ना, रोशनी, ये रोशनी नहीं है, ये डॉग है, हमारे ऊपर एक घर है वहाँ से आया है, पेट डॉग है, यहीं पर घूम रहा है आज ये भी। और मैं जैसे कह रहा था कि चिट्टू अब चला जाएगा, कोई पता नहीं ये कब आएगा, आने को सुबह भी आ सकता है दोबारा, और आने को एक हफ्ते बाद, महीने बाद भी आ सकता है। एक दिन तो मतलब एक ऐसा समय भी था, 6-7 महीने के बाद आया था ये। चलिए बस ये खुश रहे, स्वस्थ रहे। बेटा उसको भी तो देनी होती है, उसको भी खाना खाना होता है बेटा। हाँ जी चलो मैं आ गया, अब नहीं जाऊँगा मैं, चलो आ जाओ, चलो अंदर चले आओ, आ जाओ। और दोस्तों नई सुबह, नई शुरुआत, और हमारे जग्गे से आपकी मुलाकात करवाएं। जग्गा हेल्दी हो गया पहले से काफ़ी, और बड़ी देर के बाद मैं इसको वीडियो में लेके आया हूँ, और वीडियो प्रॉपर नहीं ला पा रहा था मैंने, चलो आज आपको दिखा देते। और इसके सोने का स्टाइल देखिए, पेट भरा हुआ है एकदम, नज़ारे ले रहा है, इसी तरह से सोता है ये, डेली का इसका यही काम है, धूप सेक रहा है, इसी तरह ये नज़ारे लेता है ज़िंदगी के, हमारा जग्गा। और ये पू 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 की आवाज़ पता क्या है, ये टाइसन, इसको बांधा पता कि हम लोग बांधते नहीं, इसलिए 2-3 मिनट हुए हैं इसको बांधे हुए। पापा का फ़ोन आया कि इसको ले जाओ, पापा इसको घुमाने लेके मतलब आए हुए थे इधर शेड की ओर, और भाई साहब तंग कर रहे थे, तो पापा ने कहा ले जाओ वापस, तो चलो इसको घर ले जाते। और मुझे गौशाला में भी जाना है, गौशाला इन द सेंस जीव वेलफेयर ट्रस्ट में भी जाना है, वहाँ जाकर आपको सभी से मिलवाना है, कुछ हेल्प भी करनी, वहाँ जाके काम भी करेंगे, आपको सब कुछ दिखाऊँगा मैं। चलो आओ, चलो चलो पुत्र घर जाना हूँ, घर चलो, चलो अंदर चलो चलो। और हमारी नूरी कल डॉन बन रही थी रात को, चिट्टू को डरा रही थी, वो दोस्तों चिट्टू चला गया है, नहीं आया, मुझे लगा सुबह आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, आज चला गया वो, उसका भी पता नहीं चलता। वो दोस्तों मैं जब भी एनिमल्स को मिलता हूँ उसी तरह से, और उनका जो फेस होता है हाथ में इस तरह से पकड़ता हूँ, क्यों, क्योंकि इनकी आँखों में प्यार दिखता है, वो आई कॉन्टैक्ट में करने की कोशिश करता हूँ इनके साथ, बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो सच्चा प्यार होता है दोस्तों, सच्चा प्यार। हमारी मिष्टी रानी अंदर बैठी हुई है, पता क्यों, ये मिष्टी को पीरियड्स आए हुए हैं, और लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि भाई जब पीरियड्स आते हैं फीमेल डॉग्स को तो कैसे हैंडल करें। अरे यार कोई रॉकेट साइंस है ये, जिस तरह आपके खुद के बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, वैसे ये, इसमें क्या मतलब टेंशन लेने वाली बात है, कोई नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है। सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि बनाई थी, एक एनिमल बनाया, एक ह्यूमन बींग बनाया, बस उनके चेहरे वेहरे मतलब चेंज कर दिए, बाकी सब चीज़ें सेम हैं, वही चीज़ें हैं, टेंशन मत लिया करो, आसानी से हो जाता है सब कुछ। दोस्तों ट्रस्ट के एरिया में मैं पहुंच चुका हूं। हेलो बॉबी जी, कितने टेस्टी के तो खाते हैं, क्या खाएं इनको, आ दो आ दो,
तो दोस्तों ये फीडिंग टाइम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और सभी में इस तरह से चल रहा है कि जैसे कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले खाएगा। असल में ऐसा होता है कि ये सब लोग ना स्ट्रेज हैं, स्ट्रेज मतलब बेसहारा हैं। इनको खाना वगैरह तो मिलता नहीं होता, बाहर जब होते हैं तब छीना झपटी होती है ना। अक्सर हम लोग डॉग्स देखते हैं किसी यू नो खून निकल रहा है, कटा फटा है, तो ये चीज़ें, ये आदतें सारी उम्र लगभग रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बेचारों को कभी खाना मिलता नहीं, तो कई 10-10 डॉग्स को एक रोटी मिल रही है, तो कंपटीशन होता है इनमें कि कौन पहले खाएगा, बस वही चीज़ें। तो अभी सुबह का समय है यहाँ पे, अभी साफ़ सफाई होनी है, तो पहले ये इनके खाने का देखा जा रहा है कि भूखे ना रह जाएं। ये बेड है, इन्हीं पे सोते हैं ये रात। अभी सफाई होनी है यहाँ पे, सफाई की जाएगी यहाँ पे एकदम बढ़िया से। अभी जो खाना चल रहा है, फीडिंग टाइम चल रहा है। ये हाथों से खा रहा है, ये समय लगाता है कभी, है ना, खाने में हाथों से खिलाना पड़ता है फिर, है ना। नहीं छोटे वाले को डरा रही है वो, मेरा खाना ना खा जाए। ना नहीं, अभी ये छोटा वाला नया है यहाँ पे, इसको सभी डराते हैं। और ये खाता भी नहीं है, इसको दूध दिया जाता है अलग से, वही खाएगा ये। हाँ जी, और ये भाई साहब को देखिए, इनको बाहर आने की बहुत जल्दी है। अभी धीरे धीरे सभी को निकाला जाता है ना। और ये देखिए मैगट्स वाले बिल्ले भाई साहब, इनका समय भी हो चुका है। इनको तो डॉग फीडिंग जो होती है ना वो वाली नहीं होती, इनको स्पेशल अलग से तैयार होता है मटीरियल। धीरे धीरे ये धूप लग चुकी है, सफाई होगी, धीरे धीरे ये बाहर आएंगे, यहाँ पे बिठाए जाएंगे यहाँ पे। भाई साहब को उधर लेके जाया जा रहा है क्योंकि सभी डराते हैं उसको। इन भाई साहब को बाकी से अलग करके पिलाना पड़ता है क्योंकि सभी डराते हैं। अभी ये नए हैं यहाँ पे इस जगह पे। इसके साथ वाला पता नहीं कहाँ चला गया, एक तीन जन थे ये, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बच्चे यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, उसको ढूंढना पड़ेगा यार, पता नहीं कहाँ पे। बच्चों से मेरा मतलब कि बच्चे कई बार गया तो उठा के ले जाते हैं घर में या वैसे, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसे भी। और सुबह का समय है, यहाँ पे कार्य शुरू हो चुके हैं। मैं थोड़ा जल्दी आ गया, जैसे अभी साफ़ सफाई यहाँ पे होनी है, सारे कार्य भी रहते हैं, धूप लग चुकी है। वैसे 8:30 बज रहे हैं और काम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं सारे। ये भी मस्त है, तो दोस्तों अभी साफ़ सफाई चल रही है। आज खाना पहले हो गया, सफाई बाद में हो रही है क्योंकि भूखे थे ये शायद। आज कार्य चल रहा है अभी। ये बेड देखिए कितने अच्छे हैं, बढ़िया है ना। और इन सभी को आदत है, इन्हीं में सोते हैं ये। अब ये है, अब रिश्ता इस तरह से नहीं ना लेके जाना घर उनके। मेरे दोस्त की शादी थी कल। ये नींद में थी, आप पूंछ हिला रही थी, वहां पे बैठते बैठते पजामा भी फट गया मेरा बैठा। हाँ जी, ये लाडो मेरे को डरती होनी।
अभी सारा साफ सफाई का काम हो रहा है, सुबह का टाइम है, ये भाई सब अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनको आग जलाई गई थी यहाँ पे ठंड के कारण। बस धीरे धीरे यहाँ पे ये सारी जगह खाली हो जाएगी, इनको धूप में निकाला जाएगा सभी को यहाँ से। यहाँ पे चली हुई है गेम, खेला जा रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है? गेम्स चल रही हैं, गेम्स दोनों के बीच में। ओदोद ये ब्राउन वाला ठीक है, ये भी बहुत जल्द जहाँ से आया था जो भैया छोड़ के गए थे इसे ले जाएंगे, ये भी बहुत जल्द चला जाएगा। कलोनी जदों दिया यार मैं मलंग नू तमार ही मकों दिया। हाँ जी, बरबरी दला के ओ कलोन जदों दिया यार मलंग नू तमार ही मकों। ओदा प्यार नाल हाय बेबी कहना सच्ची मन्ने नू है बहुत पसंद वई। इन्ना मिठा बोल दिया मेरी मिठी। दोस्तों इस एरिया में मैं खुद नहीं गया अभी तक, और यहाँ से डॉग चले भी गए हैं चार। यार ये मैं जब भी आता हूँ मुझे डराती है। और ये देखिए, हाँ जी, थ्री लेग। और ओ हाँ जी लाडू, हाँ जी पुत्र, मैं चलिया हूँ, जावा मैं जाऊँ जाऊँ मैं जाऊँ हैं। बैठो, पोटी इकट्ठी की गई इन सभी की। अरे यार ये बहुत ख़राब है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब है, ये मुझे देखकर ही चिल्लाने लग पड़ती है। खाली हो गया यहाँ पे, पहले चार पांच डॉग्स जो थे वो चले गए हैं ठीक होके, अभी तक मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ। डू द डेयर डेयर डेविल्स, जाऊँगा अंदर मैं, ज़रूर जाऊँगा, अभी अलाउड नहीं है। हाँ जी, तुम पीछे खड़े हो तो यहाँ पे चला हुआ कार्य इनका। यहाँ पे गाय जब निकाली जाती है यही शेड के नीचे होती है यहीं पे। दोस्तों आप लोग भी आया करो यार, मतलब ये काम किया करो, अगर ट्रस्ट हैं आपके आसपास, गौशाला हैं वहाँ पे जाइए, मदद कीजिए, कार्य कीजिए, कुछ भी नहीं करना, देख के तो आइए कम से कम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मज़ा आएगा आप लोगों को।